दोस्तों, मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रिक पॉइंट में। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का कैपेसिटर ख़राब हो गया और मार्केट में उस तरह का कैपेसिटर अवेलेबल ही नहीं है, तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखते रहिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैपेसिटर के बारे में नॉलेज मिलेगी कि कैपेसिटर को किस तरीके से कंबाइंड करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल किया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने मल्टीमीटर को 20 माइक्रो फैराड नापने वाले पॉइंटर पर पॉइंट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये जो कैपेसिटर है ये 1 माइक्रो फैराड का है और आप देख सकते हैं इसके ऊपर 105 के लिखा हुआ है, जिसका मतलब 105 किलो फैराड बिल्कुल नहीं है। यह एक नोटेशन है जो कैपेसिटर की मार्किंग करने में इस्तेमाल की जाती है। अगर आप वह जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड, मेरे पास जो ये दोनों कैपेसिटर हैं, दोनों 1 माइक्रो फैराड के हैं और जब मैंने इनको पैरेलल में कनेक्ट किया, ये देखिए, इन दोनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया तो इनकी वैल्यू आपस में जुड़ गई, मतलब कि ये 2 माइक्रो फैराड हो गया। तो इस तरह से आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ते हुए उनकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, मैंने इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया तो उसकी इसकी वैल्यू आधी हो गई। तो फ्रेंड्स, अगर कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट हो रखे हैं तो आप फाइनल कैपेसिटर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, उसका एक सूत्र है, फॉर्मूला है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे कैपेसिटर सभी पैरेलल में कनेक्ट हैं तो हम सभी को जोड़कर हम फाइनल कैपेसिटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले सूत्र में देखिए, अगर कैपेसिटर 2 हैं तो उनको जोड़ दीजिए, 3 है तब भी उनको जोड़ दीजिए, मतलब जोड़ते चले जाइए जितने भी आपके पैरेलल में लगे हुए हैं, तो आपका फाइनल कैपेसिटर आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों, अगर आपके कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हो रखे हैं तो इन फॉर्मूलों की मदद से आप उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है और इसकी वैल्यू 0.15 माइक्रो फैराड है। और फ्रेंड, जब मैंने दो ऐसे ही 0.15 के कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया तो इनकी वैल्यू जुड़ गई, ये देखिए 0.32 के करीब हो गई, तो दोनों वैल्यू जुड़ गई। और जब मैंने इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया तो इनकी वैल्यू आधी हो गई, यानी कि 0.087 के करीब ये शो कर रहा है। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और सभी कमाल की वीडियो अपने ईमेल पर मैसेज पर रिसीव करना चाहते हैं तो फ्रेंड, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।